चाहे सोने की हो, चाहे कोई भी चीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उसका एक दिन उसके मूल्य अपने को वापस मिलता है। आज आप जो एक घंटा यहाँ पे निकाल के बैठे हो, रियली आप आए हो कुछ लेने के लिए, तो आज इस सिस्टम की मीटिंग में हम आए इसके इस काम को करने के लिए ना कोई उम्र तय है, ना कोई जाति तय है, ना कोई कद तय है, ना कोई रंग तय है, ना कोई पढ़ाई तय है, ना कोई टाइम तय है, ना आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना। इस काम को करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं है। यानी शर्त नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि इस काम को हर आदमी कर सकता है। और वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जिस काम को आप बताओगे लोगों को, वो प्रोडक्ट पीढ़ियों से चला आ रहा है। आप कोई कह सकते हैं, आपको कोई फिक्स डेट बता सकते हैं कि इस डेट से मेरे घर में किराना आना शुरू हुआ? कोई बता सकते हैं? भाई मैंने कार कब ली मुझे पता है, मैंने मोटरसाइकिल कब ली मुझे पता है, मैंने मोबाइल कब लिया मुझे पता है, मैंने घर कब बनाया मुझे पता है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूंगा कि आपके घर में किराना कब से आ रहा है, आप डेट बताइए, बता सकते हैं क्या? क्योंकि ये पर दादाओं से चलती आ रही परंपरा है कि किराना हमारे घर में लेना ही हमारे को होगा। उसी कंसेप्ट के बारे में सिर्फ हमारे को क्या करवाना है, एक दुकान चेंज करवानी है। दुकानें बदलती रहेगी, ट्रेडिशनल बदलता रहेगा। यहाँ पे कुछ जिन लोगों ने देखा होगा, सब आपने तो देखा होगा कि एक टाइम ऐसा होता था कि आज मार्कर लो सर, आज हम इसको सबको, आपने देखा होगा कि कभी हम प्रोडक्ट लेने जाते, यशुकांत जी आपने भी देखा होगा, मैंने देख रखा था, आप तो मेरे से बड़े हो, कि हम अनाज देके समान आदान प्रदान कर देते हैं। लेकिन आज अभी मैं गोवर्धन जी के पास 5 किलो बाजरी लेके आऊं, बोलो मुझे 5 किलो शक्कर दे देंगे क्या? या ना परंपरा आजकल आदमी रोकड़ भी लेके नहीं आता, क्या लेके आता है? फोन निकालता है, सीधा फोन स्कैनिंग किया और सीधा पेमेंट हो गया। कहां से परंपरा कहां से चली? अनाज से लेके आजकल अपने फोन से फोन, यानी कैश का काम भी खत्म हो गया। यानी सिस्टम चेंज हुआ। अब इस बदलते सिस्टम में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये ट्रेडिशनल ये काम करने का तरीका चेंज हो रहा है। अब आपको करना क्या है इस बिजनेस को करने के लिए? हो सकता है कभी कभार क्या, ये परंपरा है, व्हाइट शर्ट पहनना, ब्लैक पैंट पहनना, मैं बोल रहा हूं ये मुझे बुला रहे हैं, इनको लोड नहीं लेना दिमाग में, ये एक सिस्टम का पार्ट है। अगर इस बिजनेस को करना है तो इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ अपने मुंह से 2 होंठ हिलाने, अपने मुंह से एक वाणी निकालनी है, और वो वाणी का जो मूल्य है वो आज के बाद में हमें मिलना शुरू हो जाएगा। आज से आज तक हमने कई सरकारें बना दी, कई सरकारें गिरा दी, कई लोगों के बिजनेस स्टॉप करा दिए, कई लोगों के बिजनेस हमने बढ़ा दिए, कई लोगों को अमीर बना दिया, लेकिन हमारे को कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। मान लो अभी कपाट साहब मुझे अगर गाड़ी लेना है, सुजुकी की लेने जाऊं, और वहां पे आप बोल दो कि यार सुजुकी की गाड़ी मत लेना, आजकल वो डब्बा जैसे आती है, पीपे जैसे आने लग गई, उसमें मजबूती नहीं रही, आप नेक्सॉन लो, और मैं नेक्सॉन ले लेता हूं, तो इन्होंने बिजनेस किसका बटा बटा दिया? सुजुकी का। यानी वो सुजुकी वाले का 10-12 लाख का नुकसान मिले क्या इनके? दो होठ में 12 लाख रुपए उसके तो गए, और दूसरे वाले के 12 लाख खाते में डाल दिए। इसी 2 होठ हिलने से इस बिजनेस में आपका योगदान क्या रहेगा? सिर्फ अपने मुंह से एक वाणी निकालनी है, और वो वाणी क्या निकालनी है कि मैं मेरे घर में एक जगह से प्रोडक्ट लेके आता हूं, और मेरे प्रोडक्ट लेने से मुझे फायदा होता है, अगर आप वहां से प्रोडक्ट लेके आओगे तो आपको फायदा मिलेगा। ये कर सकते हैं सब? इस करने से क्या होगा कि आपके घर में पैसा आएगा। हम जो लोग हैं आज से आज तक क्या खर्चे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे, लेकिन हमारे इनकम सोर्स नहीं बढ़ रहे हैं। आज से ये जो मार्ट है ये किसी और का नहीं है, अगर आप जो लोग यहां आए हुए हो ये मार्ट आपका है। और ये मार्ट नहीं, इस 1250 रुपए का जो कार्ड आप बनाओगे, इसमें तो किराना का जो प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 1250 में आप इंडिया लेवल की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। मान लो कि आपके कोई रिश्तेदार हैं जोधपुर रहते हैं, आपने उनको फोन किया कि हमारे यहाँ पे मारवाड़ जंक्शन में मार्ट खुला, मैंने उसका कार्ड बनाया, उससे डिस्काउंट मिलता है और उस पर मुझे कुछ पैसे भी मिलते हैं। आज प्रेम कुमार जी ने काम किया, क्या किया इन्होंने, 10-10 कार्ड बनाए, 10-10 कार्ड बनाए, तो वो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट परचेज करेंगे, लेकिन इनके घर में 1800 रुपए आए, तो इसका मतलब किराना तो इनका फ्री हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? जब किराना फ्री हो गया तो आज इनको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? इसके लिए इन्होंने कोई दुकान खोली क्या?
क्या हिलाए इन्होंने? अब अपने मुंह से निकलने वाला होटो की हमारे को माउथ पब्लिक सिटी से, माउथ पब्लिक सिटीज को बोलते हैं, मुंह से निकलने वाला शब्द हमारे लिए आज इनकम के सोर्स बनेंगे। मैंने क्या हिलाया? मुंह हिला के 5,000 लोगों को मेरे संगठन में जोड़ दिया। अब यहां से भी लोग, जहां जहां मेरे मार्ट लगे हुए, जहां जहां मेरी टीम लगी हुई है, लोग अपने घर पे जरूरतों का सामान लेते हैं, साबुन से कपड़े धोते हैं, सर्फ यूज में लेते हैं, शक्कर काम में लेते हैं, चाय पत्ती काम में लेते हैं, सर में तेल लगाते हैं। यार उन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूं, अनजान जगह पर अनजान आदमी अपने बालों में तेल लगा रहा है और पैसा मेरे घर में आ रहा है। अगर ये अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस में, जिसका भी ये कार्ड बनेगा उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये कार्ड नहीं है साहब, ये इंडिया लेवल का आपको एक फ्रेंचाइजी मिल गई, यानी आपके कहीं पर भी रिश्तेदार रह रहे हैं, जहां जहां मार्ट अवेलेबल है या मार्ट नहीं है, वो किराना के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो कंपनी उनके घर तक, सॉरी उनके शहर तक प्रोडक्ट भेजने की सुविधा देती है। तो आप इस कार्ड को बना के अपने साथ कई लोगों को ऐड करके महीने के लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इसकी ताकत आपको जाननी पड़ेगी, इसकी ताकत के साथ साथ आपके मुंह से निकलने वाले शब्द की ताकत जाननी पड़ेगी कि पूरे दिन में अपने मुंह से क्या क्या निकलता है। आज से हम किसी सरकारों की, सरकारें कौन सी गिरेगी बढ़ेगी उसकी बात नहीं करके, आज से अगर दिन में 5 से 10 लोगों को फोन करेंगे, क्या आपके घर में किराना आता है? सीधा ही सवाल क्या आएगा, क्या आपके घर में किराना आता है? तो बोलेंगे आता ही है, कौन मना करेगा। तो आप बोलोगे मैंने एक कार्ड बनाया, इसका ये बेनिफिट है। अगर आप भी बनाते हो तो आपको ये बेनिफिट है। वो कार्ड बनाएंगे उसका पैसा मिलेगा, वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे उनका पैसा मिलेगा, वो आगे किसी और का कार्ड बनाएंगे उसका पैसा मिलेगा, और एक दिन धीरे धीरे ये छोटा छोटा पैसा बहुत बड़े पैसे में बदल जाएगा। तो लगभग हमें समय हो गया बहुत सारा, अभी हम वो फोन कर दो, हो गया तो बहुत सारा समय हो गया, 10 मिनट। हाँ, सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे, बोलने का भी अच्छा, बोलना भी अच्छा लग रहा था। ये देखो, ये कहानियां सुनाऊं या कुछ भी करूं ये नहीं होता। अगर चाय आ रही है तब तो रुकना ही होगा। अब आपको चाय आएगी तब तो रुकोगे, तो एक बात और कर लेते हैं। इस बात को लेकर तो मैं अभी तो मैं पूरे भारत के अंदर एक रैली करने वाला हूँ। रैलियां मतलब ये छोटी छोटी रैलियां होगी मेरी, बड़ी करेंगे आप सब लोग साथ देंगे, बड़ी करेंगे। ये जो मैं बात पे जो बोलने वाला हूं, आगे वाली जो बात करूंगा, ये इस बिजनेस से नहीं है। काफी अच्छे युवा बैठे हैं आपके बीच में, मैं उनसे जवाब लेना चाहूंगा। भारत में कितनी कैटेगरी में लोग बंटे हुए अभी पैसों के मामले में, पीछे से पूछना चाहूंगा सर को। सर के लिए जोरदार ताली बहुत अच्छा। इसको थोड़ा हिंदी अनुवाद कर दो। नहीं है तो वही, अरे मैं बोलता मैं सर के सुनना चाहता, इतने जाती है मेरे को भी इंग्लिश, मैं भी गया हूँ 10-12 साल से स्कूल। मैं तो सर 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 आप आगे